रिकग्निशन नहीं मिला। पूरा साल हो गया काम करते हुए, पूरी बिलिंग भी करी, उसके बाद भी अप्रेजल नहीं हुआ, कोई अच्छी सी मेल नहीं डाली मेरे को। बॉस ने डाला हो ना, हाँ यू हैव डन वेरी गुड जॉब एंड सो अब वो भी तेज है मैनेजर कि भाई एक मेल डाली है तो मेरी जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, ये हर बार यही ईमेल लाके चिपका देगा और तुम कर भी दोगे वो काम, इसलिए मेल वेल में तो आते नहीं है, ये वर्बली भी नहीं बोलते, ये वर्बली भी नहीं बोलेंगे तुम्हें, तुमने अच्छा काम करा, क्योंकि इसका इन्हें लगता है कि फिर कहीं ना कहीं खामियाजा देना पड़ेगा, अब अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, अब अल्टीमेटली मॉनेटरी टर्म्स में कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा, तो इसका बेटर है वो अपना चुपचाप बैठ जाते हैं, ये गाइड भी नहीं करेंगे तुम्हें करियर में कभी, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। कुछ लोग, कुछ टर्की मैनेजर होंगे, वो लड़कियों के पीछे लट्टू रहते हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मिल जाएंगे तुम्हें, छोटी छोटी हाइट वाले मैनेजर मिल जाएंगे तो हम पहचान लोगे इधर आराम से। और इसमें एक ये भी है, मतलब हाइट का ऐसा नहीं है, एक्चुअली में होता है ये, बता दूँ तुम्हें, तो ये मिल जाएंगे तुम्हारे को, उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि हर कोई छोटा ऐसा होगा टर्की नहीं, पर ये लड़कियों को गाइडेंस देते हुए मिलेंगे, तो इनके चक्कर में नहीं यार तुम पढ़ना मत, तुम्हें रिकग्निशन हल्के आदमियों का लेना नहीं चाहिए, मतलब ये पद्मश्री तो देने जा नहीं रहे, और वो एनुअल अवार्ड भी जो मिलता है वो भी 50-100 लोगों को मिल जाता है अगर बड़ी कंपनी है तो, तुम कितने बढ़िया नौकर हो ना, ये उसका सबूत है, और ये अवार्ड लेना कोई अच्छी बात है नहीं, हकीकत बता देता हूँ, इस अवार्ड को लेने की एवज में आपने परिवार, यार दोस्त, वो पार्टी टाइम, वो सारी चीज़ें त्याग पर रख के आपने ये 2 कौड़ी का अवार्ड लिया, अब इसके भी लोग छाती पीट लेते, पीटते रहो यार, तुम लो, तुम्हारे को मुबारक हो, नहीं चाहिए भाई यहाँ पे भी ये वाला अवार्ड, और इसके लिए वो अवार्ड देने वाला भी तो बंदा बढ़िया होना चाहिए ना यार, मतलब लेने वाला तो छोड़ो, वो देने वाला कौन है, वो कोई ऊपर से महात्मा गांधी है, वो गौतम बुद्ध तो उतर के आ नहीं रहे अवार्ड देने के लिए, तो ये टुच्चा मटेरियल है जो मैनेजर यहाँ इंडिया में है, इंतहाई घटिया और टुच्चा मटेरियल है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सिर्फ मैनेजर इसलिए तुमसे पहले पैदा हो गए, मतलब मैं भी अगर कभी मैनेजर बनता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं क्यों मैनेजर हूँ, तो मैं तो वो इसलिए कि मतलब मैं पहले पैदा हो गया हूँ, दिस इज द स्किल सेट, अब इसके बाद तुम्हारे को थोड़े से कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, इसमें भी वो स्पाइनलेस बनना पड़ता कि मतलब जो जो हो रहा है हाँ 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 करते रहो और अपनी नौकरी चलाते रहो, यहाँ पे पता है अभी भी सर वाला कल्चर है, कई सारे बोलते हैं मैनेजर्स कि मेरे को सर मत बोलो, पर मैं बता दूँ वो सर नहीं बोलोगे ना तुम, उसकी ईगो को लग जाएगा, तो भैया मैं तो सबको सलाम करता चलता हूँ, मैं बोला यार कम से कम ना बाकी हेल्दी चीजों पे भिड़ लेंगे, ये कम से कम सर और मैडम पे ना बोलो, और भाई अगर गलती से तुम्हारी वो लेडी आ गई मैनेजर, वो बहन हर टाइम कंपटीशन में रहेगी कि कोई मेरे को कमतर ना समझे, वो एक उसकी साइकिल चलती रहती पता नहीं क्या, तो तुमने अगर उसको हल्का सा भी इधर उधर जवाब कर दिया तुम्हारा पूरा साल खराब, और ये मेरे साथ तो कई बार हो गया, एक बार तो ऐसे हुआ सैटरडे को, भाई मैं जा रहा लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ, शादी नहीं हुई थी मेरे यहाँ, मतलब मैं खुशी खुशी आज जा रहा भाई बैंगलोर से वो वडोदरा जा रहा था फ्लाइट पकड़ के, और मैं बड़े खुश, मतलब ना मैंने लड़की देख के आएंगे और ये वो 2 दिन घूमेंगे वडोदरा ऐसे ऐसे, मतलब वो प्लान रहता ना, हाँ फ्लाइट में ही करेंगे, वो सारी चीज़ें चल रही थी वो बचपने वाली, और भाई मैनेजर का फ़ोन आ गया फ्राइडे को, कह रहा भाई ये तो यहाँ पे टेस्टिंग है, पता नहीं UAT पता नहीं क्या जा रही थी इनकी, ऐसी की तैसी बाहर में जाए प्रोजेक्ट हो, तो उसके बाद मैंने बोला यार तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, कह रहे यार तुझे पता नहीं क्या, मैंने बोला नहीं मेरे को पता नहीं, मैं मुझे क्यों पता होगा यार, हद है मतलब काम की बात मुझे क्यों पता होगी यार, मैं क्यों चेज करूँ,
तो अंडरस्टूड सी बात है, मतलब उसमें मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होता, और तो कह रहा कुछ नहीं कल आना। मैंने बोला भाई मैं नहीं आ रहा, मैं आ ही नहीं सकता भाई, यहाँ फ्लाइट व्लाइट या बच्चे चीज हो रहे हैं, जीवन का तो संघर्ष हमारा तय होने जा रहा है, और तुम यहाँ पे हमारे को UAT में और टेस्टिंग में लगाने के चक्कर में हो। भाई वो चिढ़ गया भाई, उसने PIP डाल दिया 1 साल काम करवा के कुत्ते ने। तो नाम क्या था उसका, साले आज भी छोले बेच रहा होगा वो, कहीं खड़ा हुआ रोयता यार वो, पता नहीं हाँ जो भी था। तो मैं तो वो था यार वो कबाड़ी आदमी, कबाड़ी था वो, पर ठीक है वो मैनेजर अब क्या करें, वो माइंड्री में था यार। हाँ तो अब उसके बाद मैं कह रहा यार ये हो क्या गया यार, PIP में भेज दिया और कुछ नहीं था, मतलब 5 में से यार 2-3 रेटिंग ही दे देता तो भाई ने, उसने तो एक से भी एक डेढ़ के बीच की रेटिंग दे दी। अब मैं तो वहां पर रिकग्निशन भी नहीं मांग रहा था, अब लोग कह रहे हैं रिकग्निशन नहीं हुआ, अरे रिकग्निशन छोड़ तो मेरी बेइज्जती नहीं हुई, वो बच गए तुम तो, उतना भी अगर हो गया ना तो सही है, इसमें ज्यादा चक्कर में पड़ो मत कि मेरे को, क्योंकि वहां पे आपको एक आदमी चाहिए थोड़े बड़े दिमाग वाला रिकग्नाइज करने के लिए चीजें, अदरवाइज जहां ये आ गया ना रिकग्निशन, ये फ्यूचर में कैसा होगा, मैं इसको यहाँ तारीफ कर दूं तो ये प्रमोशन नहीं मांगेगा, इतना परसेंट इसको हाइक दे दूं तो वो सारी चीजें जब चल रही हैं फिर वो रिकग्निशन किस बात करेगी यार, वो तो डील हो रही है तुम्हारे साथ, अब वो करना है तो कर लो।